हम देखेंगे कि किस तरह इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किया जाएगा। सो हमारे पास ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की इमिशन प्रॉबिलिटीज भी आ गई और हमारे पास इन वर्ड्स को जो उनसे पार्ट ऑफ स्पीच असाइन हो सकते थे वो हमारे पास ट्रांजिशन प्रॉबिलिटीज भी हैं। पहले हम इमिशन ट्रांजिशन प्रॉबिलिटीज, तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टार्ट में एन एन पी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, एम डी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, वी बी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, ये है सेंटेंस के स्टार्ट में। फिर जे जे आने की क्या प्रॉबिलिटी है, एन एन आर बी और डी टी। इसी तरीके से हमारे पास एन एन पी के बाद एन एन पी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, एम डी एन एन पी के बाद एम डी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, एंड सोन। ये हमारे पास वो सारी की सारी प्रॉबिलिटीज हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने की प्रॉबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास है इमिशन प्रॉबिलिटीज, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि ना इसको जो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किया जा सकता है या किया गया ट्रेनिंग डाटा में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। विल को जो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किए गए हैं वो तीन है, एम डी, वी बी और एन एन। बैक को जो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किए गए हैं वो है वी बी, जे जे, एन एन और आर बी। दी को दो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किए गए हैं, लेट्स से एन एन पी और डी टी। सिमिलरली बिल को भी दो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किए गए हैं, दैट इज वी बी और एन एन। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन ट्रेनिंग डाटा से ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूट कर लें कि कौन कौन किन किन वर्ड्स को कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच असाइन किए जा सकते हैं। अब हम एक वे क्या है इनको पार्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल पार्ट ऑफ स्पीच असाइन करने का, जो बड़ी ये नाइफसी अप्रोच है कि आप सारे के सारे कम्बिनेशन जनरेट कर लें जो उनसे हो सकते हैं और उनमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी निकल रही है वो वाला जनरेट कर दें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है जब आपके पास सेंटेंसेस लॉन्ग आ जाएंगे। टाइम सेव करने के लिए अब हम विटरबी एल्गोरिथम की तरफ मूव करते हैं। सो जिस तरह हमने डिस्कस किया, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि जितनी आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच टैग होंगे, लेट्स से 40, और जितने आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं उतने बाय उतने का 40/5 का एक मैट्रिक्स बिल्ड हो जाएगा और उसमें अब हम प्रोबेबिलिटीज रख रहे होंगे। नेक्स्ट, पहला वर्ड आया दैट इज जेंट। अब हमने इसके लिए प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है और इसके लिए जो चीज़ें हमने कंप्यूट करनी है वो है विटरबी वैल्यू। सो इसके लिए अब हमने विटरबी वैल्यू कंप्यूट करनी है, ये है पहला वर्ड। अब क्योंकि ये पहला वर्ड है तो इससे प्रीवियस तो कोई स्टेट नहीं है, इस वजह से अब हमारे पास ये जो चीज़ है प्रीवियस स्टेट वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही। और पहली फर्स्ट टाइम किस तरीके से विटरबी वैल्यू कंप्यूट करने लगे हैं उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए। ये दो चीज़ें क्या हैं, ज़रा पॉज वीडियो को कीजिए और बताइए। गुड, ये है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और ये है इमिशन प्रोबेबिलिटी। ये है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और ये है इमिशन प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले देख लेते हैं इमिशन प्रोबेबिलिटी को, जेंट। जेंट के केस में जी, जेंट के केस में ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, एन एन पी, एम डी, वी बी, जे जे। सो जेंट को एन एन पी के साथ ऑब्जर्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.00032। सो 0.0032 मल्टीप्लाई बाय ए आई जे, मीन्स स्टार्ट से एन एन पी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आप बिल्कुल टॉप पे देखें, स्टार्ट से एन एन पी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको राउंड करके 0.28 लिखा हुआ है। और अब मेरे पास ये पहली स्टेट की विटरबी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये दूसरी स्टेट की विटरबी वैल्यू आ गई। दूसरी स्टेट में क्या है कि स्टार्ट में एम डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इज 0.06। और इस स्टेट पे एम डी के साथ जेंट ऑब्जर्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.000। सो बाकी सारी जगहों पे
जीरो आ जाए।